नमस्कार। पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम बच्चे के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, द फाउंडेशन प्रिंसिपल इज वी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टीच हिम और मेक हिम लर्न, फर्स्ट वी नीड टू लर्न अवर चाइल्ड। फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लोर हु ही इज, हाउ हिज सिस्टम इज वर्किंग। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे को पढ़ना जरूरी है। ओके, सो इस प्रोसेस में हम सबसे पहले जो है जानने की कोशिश करेंगे बच्चे के दिमाग को, हाउ द ब्रेन ऑफ चाइल्ड वर्क्स सबसे पहले। और ये एक बहुत आधारभूत चीज़ है जिसे पेरेंट्स को समझना चाहिए। एक्चुअली इफ़ यू वर्क ऑन थ्री डिफरेंट डायमेंशन ऑफ चाइल्ड, लाइक उसको जिसको हम बेसिक डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हिज बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ हिज ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ हिज माइंड, अगर तीन चीज़ों के डेवलपमेंट को जिसको हम आधारभूत डेवलपमेंट कहते हैं, एंड देन डेफिनेटली यू नीड नो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगा। एंड देर आर डिफरेंट डायमेंशंस, देर आर सम मोर डायमेंशंस, बट दीज आर द फंडामेंटल वॉन्ट्स, बेसिक आधारभूत विकास के तीन आयाम। तो development of the body, development of the brain and development of the mind. So here I would like to talk about this brain first. तो एक हम देखते हैं बच्चे के ब्रेन को इन टोटैलिटी। हम देखते हैं कि माई चाइल्ड हैज़ अ ब्रेन, माई आई हैव अ ब्रेनी चाइल्ड। बट अगर आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली और साइंटिफिक नज़र से देखें तो योर चाइल्ड डजंट हैव वन ब्रेन बट ही हैज़ थ्री। He or she has three brains. And how these three brains, what I'm talking about? Human brain, अगर हम इसको evolution की process से समझना चाहें तो करीब 300 million years पहले जो है वो brain के development की कहानी शुरू होती है, इंसानी brain के development की कहानी शुरू होती है। Still that brain, that reptilian brain which started developing 300 million years back, तो वो ब्रेन अभी हमारे भीतर एग्जिस्ट करता है। तो हमारे दिमाग का जो कोर पार्ट है वो रेप्टिलियन ब्रेन है। उसके बाद जो इवोल्यूशन का सेकंड फेज था, जो सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड मैमिलियन ब्रेन, जिसे हम लैम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा ब्रेन का हिस्सा है उसे हम जो है वो रैशनल ब्रेन कहते हैं। सो एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन हैज थ्री ब्रेन्स, नंबर वन रेप्टिलियन ब्रेन, सेकेंड मैमिलियन ब्रेन, एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड रैशनल ब्रेन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्री ब्रेन्स एंड देयर इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स। तो बच्चे जन्म के समय से जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो इंस्टिंक्टिव ब्रेन है, दैट वर्क्स विद इम्पल्सिस, सर्वाइवल उसका मेन फोकस है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, हंगर है, डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन है, ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, राइट, ऑल काइंड ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स फॉर लिविंग। सो दिस रेप्टिलियन ब्रेन, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सर्वाइवल थिंग्स, राइट, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। इट ऑलवेज डील्स विद दैट फाइट एंड फ्लाइट मोड। सो दिस इज़ द रेप्टिलियन ब्रेन। और इस रेप्टिलियन ब्रेन के ऊपर जो इसको कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड मैमिलियन ब्रेन। एंड दिस मैमिलियन ब्रेन्स नीड यू नो सोशलाइजेशन, इसको सेपरेशन एंजाइटी होती है। जैसे आप बच्चे को जब पहली बार स्कूल छोड़ते हैं या उससे दूर जाते हैं या बच्चा अकेला कहीं रहना होता है तो चाइल्ड फील्स दैट सेपरेशन एंजाइटी, या उसको इमोशनल टर्मोइल से कई बार बच्चे गुजरते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील विद देयर ओन इमोशंस। इन अर्ली एजेस ऑफ देयर लाइफ्स बच्चों का जो ये मैमिलियन ब्रेन है दैट सीक्स लाइक इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल हेल्प, इमोशनल मैच्योरिटी, व्हेन दिस लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, बोथ रेप्टिलियन एंड मैमिलियन ब्रेन, व्हेन दे हैव अ राइट काइंड ऑफ कनेक्शन विद देयर रैशनल ब्रेन। एक्चुअली रैशनल ब्रेन जो है दैट इज द 85% ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो इसका कनेक्शन बैठना चाहिए। देर आर सम पाथवेज, सम देर आर न्यूरल सर्किट्स और न्यूरल पाथवेज जो रेप्टिलियन ब्रेन और मैमिलियन ब्रेन से रैशनल ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर वो पाथवेज ठीक से क्रिएट हुए हैं, उनका सही विकास हुआ है, तो आदमी
या जो बच्चा है वो उसकी जो इम्पल्सिस हैं, उसकी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो वो नीड फील करता है, वो रैशनल ब्रेन क्या कर सकता है, उसको उसको मैनेज कर सकता है, उसको हेल्प कर सकता है, ग्रेटिफिकेशन को डिले करने में हेल्प कर सकता है। तो आदमी जो है वो ज़्यादा बेहतर जीवन में निर्णय ले पाता है, ज़्यादा अच्छे फैसले ले पाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी से इज दैट आवर लाइफ इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ डिसीजंस वी आर मेकिंग एवरी डे इन एवरी स्मॉल थिंग, यू नो। तो ये रेप्टिलियन ब्रेन और मेमिलियन ब्रेन के साथ साथ बच्चे का जो रैशनल ब्रेन है वो ठीक से डेवलप होना चाहिए। ऑल क्रिएटिविटी, ऑल दैट दैट डिजायर फॉर लर्निंग एंड डीप यू नो डिजायर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस, वो रैशनल ब्रेन का पार्ट है। रैशनल ब्रेन इज नॉट ओनली अबाउट सीकिंग थिंग्स और एक्सप्लोरिंग और सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, बट इट इज मेकिंग सेंस ऑफ द थिंग्स अराउंड। ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है रैशनल ब्रेन जो है वो। जीवन में अलग अलग चीज़ों के बीच में आपको एक कनेक्शंस और एक बैलेंस की ताकत देता है। सो दिस ब्रेन हैज़ यू नो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद, जो हमारे भीतर एक सेल्फ अवेयरनेस है, हमारे भीतर एक जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, यस आई एम, दैट कम्स फ्रॉम दिस रैशनल ब्रेन। सो हाउ यू सी योर सेल्फ, ओके, दैट थिंग पुट्स योर रैशनल ब्रेन एंड दीज थ्री ब्रेन्स वॉन्ट्स देर इज अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज थ्री। If rational brain knows how to handle the mammalian brain, like how to handle emotions in a right way and how to handle those basic instincts of life, then what's going to happen? Person will grow. And what have been seen is that ज़्यादातर बच्चे अगर इस प्रोसेस से अगर इसको ठीक से डेवलप नहीं कर पाए, बच्चों का रैशनल ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो, क्या होगा? वो अपने इमोशंस में बह जाएंगे। They are watching TV, they are watching it for 3 hours, 4 hours, 5 hours. They don't know how to control that emotion. अगर बच्चों के जो इंस्टिंक्टिव जो इम्पल्सिव जो बिहेवियर है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जो क्रेविंग है, अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा? बच्चा खा रहा है, खाता जा रहा है, ऑबिसिटी हो गई है और खा रहा है। तो अगर रैशनल ब्रेन का ठीक से डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होने वाला है? बच्चे आइदर दे विल बी जस्ट ऑलवेज सीकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो ग्रेटिफिकेशन चाहे फिर उसे इंटरनेट से मिलता हो, चाहे उसे टीवी से मिलता हो, चाहे उसे मोबाइल से मिलता हो, चाहे उसे किसी भी चीज़ से मिलता हो, हाँ, दोस्तों के साथ टाइम खराब करने से, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसे, या फिर उसे खाने से मिलता है, या उसे सोने से मिलता है। तो चाइल्ड यू नो वो अपने आप को किसी न किसी एक डोमेन पे जो है आइदर दीज बेसिक ब्रेन्स लाइक जो मेमिलियन ब्रेन है और जो रेप्टिलियन ब्रेन है, दे आइदर डोमिनेट, कोई ना कोई एक जो है वो डोमिनेट करता है। तो या तो वो उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसको सेल्फ को डोमिनेट करेंगे, या रैशनल ब्रेन करेगा। एंड इफ रैशनल ब्रेन इज डोमिनेटिंग दी अफेयर्स, तो वो क्या करेगा? मैनेज कर लेगा, इमोशंस को भी मैनेज कर लेगा, ग्रेटिफिकेशन को वो डिले भी कर सके। खाना किस लिए खाना है? इट्स अबाउट समटाइम्स इट इज़ अबाउट टेस्ट, बट इट इज़ अ थिंग विच गिव्स यू लाइफ, राइट? सो इट शुड बी राइट काइंड ऑफ अ फूड इन राइट अमाउंट एट अ राइट टाइम इन अ राइट वे, सो दैट डिसिप्लिन कम्स विद रैशनल ब्रेन, राइट? सो पेरेंट की जो सबसे बड़ी भूमिका है, पेरेंट का जो एक सबसे बड़ा रोल है कि ये बच्चे का जो रैशनल ब्रेन है वो ठीक से डेवलप होना चाहिए, उसका जो इमोशनल जो मैनेजमेंट है उसे ठीक से आना चाहिए, उसका जो सेल्फ मैनेजमेंट है जिसे हम आत्म अनुशासन कहते हैं वो उसके जीवन में आना चाहिए। हम बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, पर शिक्षा का सही अर्थ क्या है? क्या शिक्षा का अर्थ बच्चों को साक्षर करना है? हाँ, वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन शिक्षा का सही मायने में जो गहरा अर्थ है वो ये है कि बच्चों में वो एक आत्म अनुशासन आना चाहिए, जीवन के साथ एक जीने का ढंग उनको आना चाहिए, ठीक है ना? एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एज अ पेरेंट यू हेल्प देम टू डेवलप दिस रैशनल ब्रेन इन अ राइट वे। एंड दिस रैशनल ब्रेन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स एट प्लेस। So there is a seeking system, there is a stress response system, there is a care system, there are different kind of things, you know.
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डीपली, और इस पूरे प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि बच्चे के ब्रेन का सही सही डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, उसको हम जानें, उसको हम सीखें और बच्चों के जीवन में उसे अप्लाई करें. राइट, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी कि आप अपने बच्चे के लिए ये पेन ले रहे हैं और उसके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच टू बी सच अ वंडरफुल पेरेंट. थैंक यू.